नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। 8 बजे की तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। आकाश आनंद से बीएसपी के उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी भी छीन ली गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मायावती ने राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते आकाश आनंद से जिम्मेदारी वापस ली है। मायावती ने ट्वीट कर अपने इस फैसले की जानकारी दी। आपको बता दें कि आकाश आनंद ने हाल ही में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद मायावती ने आकाश आनंद पर यह कार्रवाई की है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह बड़ी कार्रवाई की है, अपने भतीजे आकाश आनंद पर नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया है। आकाश आनंद को ये जिम्मेदारी दी गई थी और अब आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया। चुनाव के बीच मायावती का बड़ा फैसला, आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस। लोकसभा चुनाव के बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। देश में 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 4 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं। लेकिन इस बीच मायावती ने बड़ा फैसला लिया जो कि बेहद चौंकाने वाला है। लोकसभा चुनाव में बीएसपी के लिए चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे आकाश आनंद को बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने संयोजक के पद से हटा दिया है और इसके साथ ही आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस ले लिया गया। इसे लेकर मायावती ने एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। बीएसपी में आकाश आनंद का कद इतना बड़ा था कि खुद मायावती ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की थी। मायावती ने 10 दिसंबर 2023 को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में उन्हें उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले से ही वो बीएसपी के कार्यक्रमों में नजर आ रहे थे। लोकसभा चुनाव के बीच बीएसपी का ये फैसला बेहद चौंकाने वाला है और उनके इस फैसले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी ने बीएसपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक करार दिया। बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेब में आता है जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति, मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती है। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया। आकाश आनंद कुछ समय से पार्टी के चुनाव प्रचार से दूर रहे थे, तभी से अंदाजा लगाया जाने लगा था कि उन्हें लेकर बीएसपी के खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और फिर ये भी खबर सामने आई कि खुद मायावती ने ही उन्हें चुनाव प्रचार से दूर किया था। लेकिन अब ये भी साफ है कि आकाश आनंद से ये जिम्मेदारियां हमेशा के लिए वापस नहीं ली गई हैं और आने वाले चुनाव में वोटरों तक पहुंचने के लिए बीएसपी अपने पारंपरिक तौर तरीकों का ही इस्तेमाल करेगी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संकेत मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। संकेत, अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी वापस लेना, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी वापस लेना, कहीं ना कहीं ये बताता है कि मायावती गंभीर है। अगर कोई भी ऐसे विवादित बयान देता है, अनर्गल बयानबाजी करता है बसपा में रहते हुए, तो उस पर ऐसी ही कार्रवाई होगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बसपा सुप्रीमो मायावती का अंदाज भी कुछ यही है, चाहे वो सियासत करने का अंदाज हो या फिर उन्होंने जब उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई तब भी उनका यही अंदाज रहा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद, चूंकि उनके भतीजे हैं, उनको राष्ट्रीय संयोजक के पद पर तैनात किया था और साथ में यह भी एक आदेश जारी हुआ था बसपा की तरफ से कि आकाश आनंद उत्तराधिकारी भी बसपा सुप्रीमो मायावती के होंगे। और लोकसभा चुनाव में लगातार आकाश आनंद की ताबड़तोड़ जनसभाएं भी हो रही थी, उन जनसभाओं में आकाश आनंद पहुंच रहे थे और वहां पर ठीक ठाक भीड़ जुट रही थी, तो जाहिर सी बात है। लेकिन जो बयान आकाश आनंद के आ रहे थे
उनसे कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती खुश नहीं थी। सीतापुर की सभा में जब उन्होंने आकाश आनंद ने बयान दिया तो उस पूरे मामले में FIR तक दर्ज हो गई आकाश आनंद के खिलाफ। तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर उनकी सभी रैलियां, जनसभाएं, रोड शो जो प्रस्तावित थे सब रद्द कर दिए गए। और अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह फैसला लिया है कि आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक के पद की जिम्मेदारी से भी मुक्त किया जाता है, और इसके अलावा जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाते हैं उन्हें वो इस जिम्मेदारी पर नहीं रहेंगे। उत्तराधिकारी की जो बात कही गई थी उससे भी उनको मुक्त किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक कड़ा फैसला लिया है। और आकाश आनंद जनसभाओं में जिस तरीके से बयान देते थे, मायावती बसपा सुप्रीमो उससे उस बात से असंतुष्ट थी, उन बयानों से असंतुष्ट थी, और FIR भी सीतापुर में आकाश आनंद के खिलाफ हुई थी। और बसपा सुप्रीमो मायावती का अंदाज भी यही है, वो जब सरकार में थी तब भी एक कड़क फैसले लेती थी, उनके फैसले नजर है। जाहिर सी बात है, ये तो अंदाज है संकेत मायावती का, जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं कि कड़क अंदाज की अगर कोई भी ऐसी बयानबाजी करता है। लेकिन आखिरकार इसके पीछे की वजह अगर समझने की हम कोशिश करें, क्या ऐसी वजह रही कि अपने भतीजे पर इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी मायावती को? बिल्कुल सीधी और साफ वजह यह है कि आकाश आनंद जिस तरीके से बयान दे रहे थे वो बयान चर्चा में थे। बसपा सुप्रीमो मायावती उन बयानों से काफी असहज थी, लेकिन जब सीतापुर की जनसभा में उन्होंने सीधे तौर पर जो बयान दिया, विवादित बयान उनका सामने आया, और उस पर FIR आकाश आनंद के खिलाफ दर्ज हुई, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बस उसी दिन से ही आकाश आनंद की सभी जनसभाएं और रैलियां निरस्त करने के निर्देश पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए, और आकाश आनंद को भी जनसभाओं में न जाने का निर्देश दिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और अगर सूत्रों की माने तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को खुद बुलाकर उनको समझाया कि आप किसी भी जनसभा में, किसी भी रैली में भाषण नहीं देंगे, ना जाएंगे, और सीधे तौर पर आकाश आनंद उसके बाद दिल्ली चले गए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको अब पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक का दायित्व था उससे भी मुक्त कर दिया है, और अपने उत्तराधिकारी के पद से भी मुक्त कर दिया है जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया था। तो ये एक बड़ा फैसला है बसपा के लिहाज से, और बसपा सुप्रीमो मायावती ऐसे फैसलों के लिए जानी भी जाती हैं। सरकार में रही उन्होंने कोई कोताही नहीं की, जरा से भी कानून व्यवस्था या किसी तरीके से बयानबाजी या किसी भी अभद्रता में कोई भी उनका नेता सामने आया उन्होंने तत्काल उसे बाहर का रास्ता दिखाया। जानकारी दी, बहुत शुक्रिया खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे